खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नए साल का हुआ आगाज, सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 2020 का हुआ स्वागत। भारतीय समय के मुताबिक ऑकलैंड में शाम 4:30 बजे आतिशबाजी शुरू हुई। ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का आगाज हुआ, मेलबर्न सिडनी में आतिशबाजी के साथ 2020 का स्वागत। नए साल पर कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नए साल पर पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की बढ़ती है भीड़, मंदिर में तैयारियां जोरों पर। एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर, उग्र इस्लामिक संगठन PFI पर रोक लगाने के लिए यूपी के DGP ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। झारखंड में सर्दी से 15 लोगों की मौत, पंजाब में कोहरे में हुए हादसों में 12 लोगों की जान गई है, MP में भी सर्दी ने ली जान। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड जारी, बीती रात तापमान -8 तक गिर गया, इस सीजन की सबसे ठंडी रात, डल झील भी बर्फ बन गई। लद्दाख के द्रास में तापमान -22 डिग्री तक गिरा, करगिल और लेह में -15 से नीचे है तापमान। करगिल में खून जमाने वाली ठंड जारी, तापमान थोड़ा बढ़ा लेकिन पारा -27 से -17 तक ही आया। जम्मू में ठंड के साथ घना कोहरा छाया, यहां तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फ में जम गई स्पीति नदी, 0 से कई डिग्री नीचे है तापमान। उत्तराखंड के मसूरी में ठंड का प्रकोप, सैलानियों की मस्ती के लिए बनाए गए पार्क में झील तक जम गई। दिल्ली में कई दिनों की ठंड के बाद आज सुबह धूप निकली, न्यूनतम तापमान भी 4 डिग्री से ऊपर आया। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में पारा -4 तक गिरा, फसलों को बड़ा नुकसान, किसान परेशान। हरियाणा के फरीदाबाद में सर्दी से बचने के लिए कमरे में अलाव जलाकर सोए परिवार का दम घुटा, 3 की मौत। पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर घने कोहरे के बीच BSF जवानों की कड़ी पेट्रोलिंग, DIG ने कहा ड्यूटी हमारा धर्म है। जम्मू कश्मीर के लोगों को नई साल का तोहफा, आज रात से सरकारी दफ्तरों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट चलेगा, SMS सेवा भी चालू होगी। राजस्थान के सरकारी चाइल्ड हॉस्पिटल की वार्ड में आग लगी, एक बच्ची झुलसी, ऑक्सीजन नली लीक होने से हुआ हादसा। श्रीनगर में अचानक आग लगने से हड़कंप मचा, 8 घर जले, लाखों का सामान खाक, आग लगने की वजह साफ नहीं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में टायर पंक्चर होने से स्कूल बस पलटी, 5 छात्र घायल। हैदराबाद में स्कूली बच्चों को ले जा रहे ऑटो रिक्शा में रेत से भरे ट्रक ने मारी टक्कर, 2 छात्रों की मौत, 3 घायल। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा।